हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लावा Z60S के FRP अनलॉक के बारे में कि Z60S का FRP अनलॉक कैसे करेंगे। इसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखते रहिएगा, नहीं तो आप FRP अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बारीक है, मतलब इसके एक एक स्टेप ध्यान से देख लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करना है सबसे पहले, और अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। आप हॉटस्पॉट से भी, मतलब दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट कर लें। मैं अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्ट है, तो मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कट कर देता हूँ। ये मेरा कट होने वाला है वाईफाई से कनेक्ट। ये मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो गया। मैं सीधा स्टार्ट पे जाता हूँ। ये इमरजेंसी इमरजेंसी के बाद इस पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद ये पेन का बटन बना है, इस पे क्लिक करना है, और ऐड कॉन्टैक्ट इस पे क्लिक करना है, और लावा कस्टमर केयर इसको, और जो लावा कस्टमर केयर का नंबर है इसको एडिट करना है। इसको एडिट करके आप वन, ये पेन का बटन है, इस पे 112 कर देना, 112 और सेव कर देना है। ये गलत हो गया, 112 सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस पे कॉलिंग करनी है। ये सिंबल बना था, अब ये यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, इस पे अलाउ कर देना है। इसको जो नंबर है 112, इसको डिलीट करके टाइप करना है *#***3636*#***। अब ये आ जाएगा आपका दूसरा नंबर। यूसेज स्टेशन पे क्लिक करना है और बैक कर देना है। और बैक करने के बाद अभी हमारे पास सामने सेटिंग का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मोबाइल जो है वो Z60 है, और इसमें एंड्रॉयड 1.0 8.1.0 ओयो गो एडिशन डला हुआ है, एंड्रॉयड गो। अब मैं बैक आता हूँ। अब हमें सिक्योरिटी में जाना है, एप्लीकेशन नहीं, सिक्योरिटी, ये एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जाएंगे, यूट्यूब गो। अब यहाँ पे जो है वो ऐप नोटिफिकेशन, इस पे जाएंगे, और एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के बाद सबसे नीचे आएंगे, ये है अबाउट, इस पे क्लिक करना है। अबाउट इस पे क्लिक करेंगे, और ये है यूट्यूब टर्म एंड ऑफ सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये क्रोम ओपन हो गया। नेक्स्ट करेंगे नो थैंक्स, और यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पे सर्च करेंगे vmrom.apk। ये apk है जो बाईपास के लिए चाहिए होती है, इसको सर्च करेंगे। ये 28 MB की है समथिंग, तो वो डाउनलोड करने, ये है 5वें नंबर पे, ये 6वें नंबर पे, छठवें नंबर पे FRP BN ROM APK। अब ये डाउनलोड होने लगेगी, कंटिन्यू, अलाउ। अब ये डाउनलोड होने लगेगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 28 MB की है। तो ये आपके डाटा के, डाटा पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे स्पीड कैसी है वाईफाई नेटवर्क की। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाउनलोड होने लगी है, ये होने लगी, 15% हो गई है मेरे पास। अब मैं थोड़ा वीडियो को कट कर देता हूँ यहाँ पे, जब डाउनलोड होगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाए, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है, मैंने वीडियो कट कर दिया था। अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये सेटिंग्स में गए, ये परमिशन मांगता है, अलाउ दिस सोर्स, और बैक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 28 MB की है, और ये इंस्टॉल हो रही है। और ये जो है मैं अपने डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ क्योंकि इसकी वीडियो की क्वालिटी है जो वो साइज बहुत ज़्यादा हो जाती थी और अपलोड करने में टाइम लगता था, इसलिए। अब ये डन हो गई, अब बैक कर देंगे हम। इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें बैक आ जाना है, फिर से स्क्रीन, वो जो मेन स्क्रीन, वहीं पे आना है, वही प्रोसेस अपनानी है। डबल टैप करेंगे इमरजेंसी पे, पेन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कॉन्टैक्ट पे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, लावा, उसको एडिट करेंगे। वैसे भी एडिट हो चुका है, अब डायरेक्ट कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग, और ये जो 112 है इसको डिलीट कर देंगे। अब लिखेंगे *#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 *
हैज 46, 36, हैज स्टार, हैज स्टार। दूसरे नंबर यूसेज सेटअप, बैक सेटिंग में आ गए। अब हमें जो है, अब इसके जो एंड्रॉयड मैनेजर है उसको बंद करना है। जैसे सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाके ये रहा डिवाइस एडमिन ऐप्स, इस पे फाइंड माई फोन, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ये डीएक्टिवेट ऐप बैक करेंगे, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब जाना है हमें ऐप्स में, ये डीएक्टिवेट हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आएंगे, जाएंगे ऐप्स में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, सो ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे, सी ऑल, और यहाँ पे सो सिस्टम ऐप्स, ये यही वाला दूसरे नंबर पे सो सिस्टम ऐप्स। अब जो गूगल प्ले सर्विस है इनको डिसेबल करना है, ये गूगल प्ले सर्विस, इसको डिसेबल करेंगे, डिसेबल ऐप बैक, और ये गूगल प्ले स्टोर, इसको भी डिसेबल करेंगे, डिसेबल। अब ये दोनों का आप दिखा रहा है डिसेबल हो चुके हैं, बैक करेंगे और बैक करेंगे। अब जाएंगे अकाउंट में, ये यूज़र एंड अकाउंट, एट अकाउंट पर क्लिक करेंगे गूगल। अब यहाँ पे जो आपकी पहले ईमेल आईडी होगी, जिसका आपको आईडी और पासवर्ड मालूम है, वो आईडी यहाँ पे डालनी है, जिससे आपके मोबाइल, इस मोबाइल में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप वो आईडी और पासवर्ड डालने हैं, तो जैसा कि मैं अपने आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप भी आईडी और पासवर्ड जो आपको मालूम है वो आईडी और पासवर्ड इसमें डाल के लॉग इन कर लें। और ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पहले, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे फिर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि इसकी वीडियो की क्वालिटी जो साइज़ है वो कम हो जाए, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड किया था वो 500 MB के ऊपर था, और जो अपलोड करने में टाइम लगता। अब जैसा कि मैं लॉग इन हो चुका हूँ और इसमें पासवर्ड और डालना है, तो मैं बता रहा था कि इसमें वीडियो की साइज़ ज़्यादा हो जाती है, तो अपलोड करने में टाइम लगता है, 500 MB के ऊपर पहुंच जाता है, और इस कारण से अब इस रिकॉर्डिंग के कारण, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण अब उसकी साइज़ कम हो जाएगी और अपलोड करने में टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको जो देख रहे हैं उसको बफरिंग भी नहीं होगी। तो मैं लॉग इन हो चुका हूँ, अब बैक करना है, और बैक करने के बाद हमें फिर से वही एक बार बैक करना है, फिर जाएंगे अपन हम सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में, और नीचे डिवाइस एडमिन ऐप्स में जो हमने डीएक्टिवेट कर दिया उसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट दिस एप्लीकेशन, और ये एक्टिवेट हो चुका है। अब वहीं फिर जो एप्लीकेशन थी ऐप्स में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, इसमें जो गूगल प्ले सर्विस हमने डिसेबल किया था उनको इनेबल करेंगे, सो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पे, और नीचे आएंगे गूगल प्ले, गूगल प्ले कहाँ है गूगल, ये रहा गूगल, ये डिसेबल है, इनको इनेबल करना है। इनेबल किया एक को, अब दूसरे नंबर इसको भी इनेबल करेंगे, दोनों इनेबल हो गए, बैक कर देंगे। अब सीधा बैक आ जाना है सबसे बाहर, क्योंकि जो कुछ भी थी इसमें सेटिंग्स थी वो सारी हो चुकी हैं, इसकी अब एफ आर हो चुकी है। अब हमें सिर्फ मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे रिस्टार्ट देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल से एफ आर पी अनलॉक हो चुकी है, और ये जो है लावा का Z60S न्यू मॉडल है, और इसमें एंड्राइड ओरियो गो वर्जन डला हुआ है 8.1.0, जो कि सैमसंग का एक मॉडल आया है, सैमसंग J2 कोर, उसमें भी एंड्राइड 8.1.0 और एंड्राइड ओरियो गो वर्जन डला हुआ है। तो वही एडिशन चल रहा है जो अभी ये लाइट वर्जन है गूगल का। तो मोबाइल चालू हो रहा है और आप देखेंगे कि आपके मोबाइल से एफआरपी लॉक हट चुका है, स्टार्ट, थोड़ी सी लाइट दिख नहीं रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्ट, स्किप कर देना है, प्रोटेक्शन नॉट, स्किप करेंगे, कोई पैटर्न नहीं, मोर, एग्री, स्किप, और आपको कोई भी इसमें बात समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ हमें, मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, और आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम जाती है तो जस्ट ए सेकंड, इसमें इसकी सेटिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए एफआरपी अनलॉक हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।